दोहा छियालीस तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम छियालीस भावार्थ तब तक जीन की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता तब लगी हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मच्छर मदमाना जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटी भाथा एक भावार था मोह मतसर, डाह, मद और मान आदि दुष्ट तभी तक में बसते हैं जब तक कि धनुष और कमर में तरकस धारम किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेश उलुक सुखकारी तब लगी बसती जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही दो भावार्थमता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है वो ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी रामपद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर अनुकूला तहि न व्याप्त त्रिविद भाव तीन भावार्थ है श्री राम जी आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ मेरे भारी भय मिट गए कृपालु आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आधिदेविक और ही व्याप्ते मैं निश्चय अति अदम सुभाव कीन नहीं काओ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहिला चार भावार्थ में अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया दोहा दोहालिस सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ समान मम जिनके द्विज पद प्रेम सैतालीस भावार्थ जो सगुण साकार भगवान के उपासक है दूसरे के हित में लगे रहते हैं नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है सुनो लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशया प्रिय हो राम वचन सुनी बानजू था सकल कहीं जय कृपा बरु था एक भावार्थ है लंका पति सुनो तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण है इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो सुनत विभीषणु प्रभु कई बानी नहीं अघात श्रवनामृत जानी पद अम्बुज गही बारही बारा हृदय समात न प्रेमु अपारा दो भावार्थ प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणतपाल उर अंतर जामी और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही तीन भावार्थ विभीषण जी ने कहा हे देव हे चराचर जगत के स्वामी हे शरणागत के रक्षक हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले सुने मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई अब कृपाल निज भगति पावनी देहो सदा सिव मन भावनी एवमस्तु कही प्रभु रंधीरा मागा तुरत सिंधु कर नीरा चार हब तो है कृपालु शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा जदपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरसु अमोग जग अस कही राम ते ही सारा सुमन बृष्टि नब भई अपारा पांच भावार्थ और कहा हे सखा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है वो निष्फल नहीं जाता ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राजतिलक कर दिया आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई दोहा अड़तालीस सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम अड़तालीस भावार्थ जो सगुण साकार भगवान के उपासक है दूसरे के हित में लगे रहते हैं नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है सुनु लनके सकल गुण तोरे ताते अतिशया प्रियम हो राम बचन सुनी बानजू था सकल कहीं जय कृपा बरु था सुनत विभिष्णु प्रभु कई बानी नहीं अघात श्रवनामृत जानी एक भावार्थ है लन पति तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण है इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो पद अम्बुज गही बारह बारा हृदय समातना प्रेमु अपारा सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणतपाल अंतर जामी दो भावार्थ प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही तीन भावार्थ विभीषण जी ने कहा हे देव हे चराचर जगत के स्वामी हे शरणागत के रक्षक हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले सुने मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई अब कृपाल निज भगति पावनी देहो सदा शिव मन भावनी कही प्रभु रणधीरा मागा तुरत सिंधु करनीरा भावार्थ हब तो हे कृपालु शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए इवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा जब भी सखा तव इच्छा मोर दरसु अमोग जग माही आस कही राम तिलक ते ही सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा पांच भावार्थ और कहा के सखा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है वह निष्फल नहीं जाता ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई दोहा उन्चास रावण क्रोधनल निज स्वास समीर प्रचंड जरत बिभीष्णु राखेहु दीनहेहु राज्यो अखंड का भावार्थ श्री रामजी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए दसमाथ सोए संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ उन्चास भावार्थ शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दसों सिरों की बलि देने पर दी थी वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी अस प्रभु छाड़ी ते नर पशु आना पूछ बिशाना, जानी ताही अपनावा, प्रभु सुभाव कपी कुल मन भावा एक भावार्थ से परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु है अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया प्रभु का स्वभाव वानरकुल मन को बहुत सर्वज्ञ सर्वरूप कारण मनुज दनुज कुल घालक दो भावार्थ फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप सब रूप में प्रकट सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले सुनु बीरा जल्द ही जल्दी गंभीरा मकर झश जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति तीन भावार्थ है वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है कह लंके सुनु रघुनायक कोटी सिंधु सोशक तव सायक जद्यपि तद्य नीति असी गाये बिने करिया सागर सं चार भावार्थ विभीषण जी ने कहा है रघुनाथ जी सुने यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है सोख सकता है तथापि नीति ऐसी कही गई है उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए दोहा पचास प्रभु तुम्हार कुलगुर जल्दी कहे ही उपाय बिचारी बिनु प्रयास सागर तरे ही सकल भालू कपी धारी पचास भावार्थ है प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज है वे विचार कर उपाय बतला देंगे तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी सखा कही तुम नीकी उपाय करिया देव जो होई सहाय मंत्र न ये मन भावा राम वचन सुनी अति दुख पावा एक भावार्थ श्री राम जी ने कहा हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया यही किया जाए यदि देव यहायक हो ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया नाथ देव कर कवन भरोसा सोशा सिंधु करिया मन रोसा कादर मन कहूं एकाधारा धारा देव देव आलसी पुकारा दो भावार्थ लक्ष्मणी जी ने कहा हे नाथ देव का कौन भरोसा मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए ये देव तो काय के मन आधार तसल्ली देने का उपाय है आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं सुनत बेहसी बोले रघुबीरा ऐसे ही करब अब मन धीरा अस कही प्रभु अनुजही समुझाए सिंधु समीप गए रघुराय तीन भावार्थ ये सुनकर श्री रघुनीर हंसकर बोले ऐसे ही करेंगे मन में धीरज रखो ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए प्रथम प्रणाम कीन सिरु नाई बैठे पुनीत तट दर्भ डिसाए जब ही विभीषण प्रभु कहीं आए पाछे रावण दूत पठाए चार भावार्थ उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे दोहा इक्यावन चरित तिन देखे धरे कपट कपी देह प्रभु हृदय सराही सरनागत परने हैं इक्यावन भावार्थ कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे प्रगट बखान ही राम स्वभाव अति सप्रेम गा बिस दुराव रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधी कपीस पही आने एक भावार्थ फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे उन्हें दुराव कपट देश भूल गया सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव के पास ले आए कह सुग्रीव सुनहु सब बाना अंग भंग करी पठवहु निसिचा सुनी सुग्रीव बचन कपी धाये बांधी कटक चहु पास फिराए दो भावार्थ है सुग्रीव ने कहा सब वानरों सुनो राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया बहु प्रकार मारन कपी लागे दीन पुकारत तपी न त्यागे जो हमार हर ना तेही तीन भावार्था वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे वे दीन होकर पुकारते थे फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा तब दूतों ने पुकार कर कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए रावण कर दीजू यह पाती लक्ष्मण बचन बान सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया उन्हें बड़ी दया लगी इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बांचो दोहा बावन कहे हूँ मुखागर मूर्सन माम संदेशु उदार सीता दे मिले हूँ नवा काल तुम्हार बावन भावार्थ फिरूस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुन गाथा कहत राम जसु लंका आए रावण चरण सी तिन्ह नाये एक भावार्थ लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूध तुरंत ही चल दिए श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए बिहसी दसानन पूंछी बाता कहसी न सुकापनी कुसलाता पुनि कहो खबरी बिभीषण केरी जही मृत्यु आए अति नेरी दो भावार्थ दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता फिर उस विभीषण का समाचार सुना मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है करत राज लंका सठ त्यागी हो जब कर की अभागी पुनि कहो भालू की कीटकाये कठिन काल प्रेरित चली आई। तीन भावार्थ मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया अभागा अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहो तब सिन् गए बात बहुरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी चार भावार्थ थोर जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है दोहा तिरपन की भाई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनी मोर कहसी न रिपू दल तेज बल बहुत चकित चित्तोर तिरपन भावार्थ उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं तेरा चित बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है नाथ कृपा करी पूछे हु जैसे मानहू कहा क्रोध तैसे मिला जाय जब अनुज तुम्हारा जाते राम तिलकते ही सारा एक भावार्थ दूत ने कहा हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए मेरी बात पर विश्वास कीजिए जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया रावण दूत हम ही सुनी काना कपिना का बांधी दीन दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागे राम सपथ दीन हम त्यागे दो भावार्थ हम रावण के दूत है ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कही उन्होंने हमको छोड़ा पूंछिहू नाथ राम कटकाए बदन कोटी सत बरनी न जाए नाना बरन भालू कपी धारी बिकटानंद विशाल है नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी सुबह तो सौ करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले और भयानक है जेही पुर दहेव हते सुतोरा सकल कपिन महतेही बलू थोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल बिपुल विसाला चार भावार्थ जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं।